तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। एक डॉक्टर ने बताया कि नवजात बच्चों की उम्र 1 महीने से 3 महीने के बीच थी। जिला सिविल सर्जन प्रमोद खंडाते ने बताया कि भंडारा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात 1:30 के आसपास आग लग गई थी। इकाई में 17 बच्चे थे, जिसमें से 7 बच्चों को निकाल लिया गया। एक डॉक्टर ने बताया कि सबसे पहले एक नर्स ने अस्पताल के शिशु देखभाल विभाग से धुआं उठते देखा, जिसके बाद डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को खबर की गई। इकाई के इनबाउंड वार्ड से बच्चों को दमकल कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 10 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर खंडाते ने बताया कि बच्चों को जिस वार्ड में रखा जाता है वहां लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत होती है। उन्होंने बताया वहां आग बुझाने वाले उपकरण थे, कर्मचारियों ने उनसे आग बुझाने की कोशिश की। वहां काफी धुआं हो रहा था। आग का शिकार होने वाले बच्चों के माता पिता को भी जानकारी दे दी गई है। बचाए गए 7 बच्चों को दूसरे वार्ड में भी भेज दिया गया है। अभी तक आग लगने के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लग गई थी। इतनी दर्दनाक घटना थी कि प्रशासन को भी वहां सक्रिय किया गया।